हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबके सामने। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, बड़ा अच्छा है टॉपिक, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुल्ली, रेपो रेट के बारे में। तो क्या हुआ था, अभी हाल में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उस समय RBI ने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था कि हम अपने रेपो रेट में कुछ कटौती करेंगे। तो उन सब चीज़ों का क्या मतलब है, टुडे विल टॉक अबाउट इंटायरली। ओके, हाँ, एक चीज़ और, टू स्टार्ट माई वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई हैव आस्ड मैनी पीपुल बट देर इज़ नो आंसर। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू व्यूअर्स, आई नो देर इज़ ओनली 20 व्यूअर्स या 30 व्यूअर्स टू सी माई वीडियो, बट इट इज़ इनफ फॉर मी। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेट्रियाटिज्म एंड नेशनलिज्म, मीन्स राष्ट्रवाद, हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है। मुझे समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या डिफरेंस है। तो मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। रेपो रेट, देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जब भी हमारे देश में बहुत सारी बैंकें हैं, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, इनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, RBI से लोन लेते हैं। तो जब बैंकें, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक RBI से लोन लेता है तो उन लोगों को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है, ठीक, जो लोग ना जानते हों, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, तो ब्याज देना पड़ता है उसको, हम लोग उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। समझ गए होंगे, हम लोग फिर से बता देता हूँ एक बार। जब भी हमारे देश में जितने बैंकें हैं, प्राइवेट बैंक हो या चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, उनको क्या करना पड़ता है, जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है, उनसे लोन लेते हैं। तो जब लोन लेते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, अब क्या रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है, व्हेन, हिंदी में बात करते हैं, जब हमारे देश में बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या मैंने कहा, व्हेन इन आवर कंट्री बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस समय बैंक लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। मैंने क्या बताया, व्हेन इन आवर बैंक देर इज, व्हेन इन आवर बैंक, जब हमारे कॉल आ रहा था, जब हमारे देश में बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, RBI में पैसा अपना जमा कर देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। टुडे विल टॉक मेन टॉपिक कि अभी हाल में क्या हुआ, रेपो रेट को घटाया गया, इसका क्या मतलब है, हमारे देश में जब भी रेपो रेट घटता है या बढ़ता है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अपने मार्केट पर, इकोनॉमी में, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब भी रेपो रेट को घटाया जाता है, इससे क्या होता है, जब रेपो रेट घटाते हैं तो बैंकों को कम इंटरेस्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिल जाता है। जब हमारे जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक हैं उनको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा तो हम पब्लिक भी बैंकों से आसानी से लोन लेंगे, किस पे, कम इंटरेस्ट पर। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से लोन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब बैंकों से लोन लेंगे तो लोग बिजनेस करेंगे, कोई उद्योग धंधे, अलग अलग चीज़ें लोग निर्माण करेंगे, तो उसके लिए पैसा लगेगा तो ज़्यादा ज़्यादा लोन लेंगे। इससे क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, अगर बिजनेस शुरू होगा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो पैसा आएगा लोगों के पास, जब पैसा आएगा तो जो लोग, जो सामान्य 20 मिलती हैं, अगर कस्टमर उसको कहे हम 25 में देंगे तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि बैंकों में, क्योंकि बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो गया है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, एज यू नो व्हेन डिमांड इज़ मोर, तो अपने आप है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ेगी। तो मैंने क्या बताया, ये जो क्या असर निकलता है इसका, जब भी रेपो रेट में कुछ कटौती होती है तो अपने देश में महंगाई बढ़ती है, इसलिए सरकार, इसलिए जो RBI है, रेपो रेट में जब कटौती करती है तो बहुत कम मात्रा में, इन ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, देर इज ए मिनिमाइजेशन इन द रेपो रेट। तो आप लोग समझ गए होंगे रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से अगेन, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है। वीडियो अच्छा लगा देखिएगा, ना अच्छा लगे ना देखिएगा। धन्यवाद।